तो हेलो वेलकम दोस्तों, आज का बहुत ही खास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टिकटॉक बैन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अब आप हमारे बीच टिकटॉक नहीं रहेगा, वो भी बहुत जल्द हमारे इंडिया में बैन होने वाला है दोस्तों। फाइनली 2020 आते आते हो सकता है बैन भी हो जाए टिकटॉक। लेकिन दोस्तों, टिकटॉक क्यों बैन होगा, इसके पीछे क्या है रीज़न, दोस्तों सारा चीज़ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और इस बैन को आप कैसे बचा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले बता दूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमारे को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, बात करेंगे टिकटॉक, आज से कुछ दिन पहले बैन होते होते पहला चांस उसे मिल गया था, वो बच गया था टिकटॉक बैन होते होते, जो कि दोस्तों एक हैदराबाद कहीं एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ी याचिका पहुंच गई थी। लेकिन उस वक्त टिकटॉक बैन होते होते बच गया, क्योंकि दोस्तों उसने अपने गाइडलाइन को सारा, अपना प्लेटफॉर्म को पूरा साफ सुथरा बना लिया था। लेकिन इस वक्त जो टिकटॉक पर फिर से गंदगी फैल गई है, वो टिकटॉक की नज़र में नहीं आ रहा। पता नहीं टिकटॉक का फिल्टर कैसे काम कर रहा है, टिकटॉक का सर्चिंग फिल्टर इंजन जो होता है इसका स्कैनिंग फिल्टर, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा कि टिकटॉक पर कितने गलत गलत वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत गंदे गंदे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो हाल ही में दोस्तों आपने कुछ ऐसे वीडियो देखा होगा जो ड्रेस ट्रांजेक्शन टाइप की वीडियो थे, ऐसे ड्रेस ट्रांजेक्शन इस टाइप के बहुत सारे वीडियो थे ड्रेस बदलने वाले, तो वो सब वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। यानी कि जिस जिस लड़के का आईडी फ्रीज हो गया था, जिसके आईडी पर अच्छे खासे लाइक भी, रिस्पॉन्स, फ्रेंड्स, फॉलोइंग नहीं बढ़ रहे थे, और उसने फटाक से ये वीडियो यूनिक किया, कुछ अलग किया, तो उसने क्या किया, अपना ड्रेस वाला ट्रांजेक्शन वीडियो बनाया, तो उसका वीडियो वायरल हुआ। फिर इसका कॉपी करके एक लड़का और बना लिया, उसने भी ड्रेस ट्रांजेक्शन बनाया, उसका भी कॉपी किया। लेकिन कुछ एक और लड़का क्या किया, सबसे यूनिक कर दिया, पूरा अलग कर दिया, पूरा टिकटॉक को गैदरिंग कर दिया दोस्तों। उसने क्या किया, पूरा अपना ड्रेस ही खोल दिया, पूरा अपना कपड़ा ही खोल दिया, यानी दोस्तों अपना शरीर का कुछ बचा ही नहीं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी, ये उसकी वीडियो तो वायरल हुई ही, साथ में उसका आईडी जो है सस्पेंड हो चुका है। ये टिकटॉक की नज़र में तब आया जब टिकटॉक पर यह वीडियो वायरल हुआ था। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो टिकटॉक पर भी आ रहे हैं, अभी वायरल हो रहे हैं, जो कि पूरी अश्लील वीडियो है, और आपकी नज़र में देखने, यानी आपके साथ कोई एक हो सकता है कि आपके ही साथ में देख नहीं सकते हैं कि ऐसी वीडियो अपलोड हो रहा है। और जो क्रिएटर मेहनत कर रहा है टिकटॉक पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसका वीडियो फंसा का फंसा 40-50 व्यू आता है मात्र, यानी कि लिमिटेशन 100 से 500 व्यू जाता है, उसके बाद वीडियो ठप हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़की और कोई लड़का कुछ गलत टाइप का, एक अश्लील टाइप का थोड़ा भी वीडियो बना देता है, तो वो वीडियो झट से टिकटॉक पर वायरल हो जाता है। दोस्तों टिकटॉक का नज़र अभी कहाँ है पता नहीं, टिकटॉक का आँख क्यों बंद है दोस्तों, टिकटॉक पर इस पर नज़र जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों टिकटॉक अगर इस बार नहीं संभल पाया, तो टिकटॉक फाइनली इस बार परमानेंटली इंडिया से बैन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक का भी सुधरने का मौका है, और टिकटॉक अभी इसी ये सब सारी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या क्या इस पे कैसे कैसे वीडियो आ रही है। टिकटॉक उस क्रिएटर जो मेहनत कर रहा है, उस क्रिएटर का मदद नहीं कर रहे हैं, जो कि पूरे दिन रात एक करके एक मिनट अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है, साफ सुथरी जेनुअन वीडियो बनाता है, उसका वीडियो वायरल होना ही हो रहा है। यहाँ पे जो गैदरिंग वीडियो गलत सलत अश्लील वीडियो बनाता है, उसका वीडियो झट से टिकटॉक पर वायरल हो जाता है। दोस्तों ये सब बातें टिकटॉक को देखनी चाहिए, और बहुत सारे दोस्तों आप लोग से हम यही कहेंगे, अगर आपके भी नज़र में आती है अश्लील वीडियो, कोई गलत वीडियो टिकटॉक पर दिखता है, तो उस वीडियो को लाइक शेयर ना करके आपको सिंपली उस वीडियो को रिपोर्ट करना है टिकटॉक को, और टिकटॉक को दिखाना है कि ये वीडियो देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर कैसे गैदरिंग फैलाई जा रही है। और उससे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिए, बढ़ावा मत कीजिए, जहां तक है वहीं तक देखिए, वहीं से रिपोर्ट मार दीजिए उस वीडियो को। और आप लोग में से कोई भी क्रिएटर वाइज जेन्युइन तरीके से काम कीजिए, कोई गलत वीडियो पोस्ट नहीं कीजिए, टिकटॉक को मजबूर मत कीजिए टिकटॉक हमारे इंडिया से बैन हो, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके माध्यम से आप फेमस हो सकते हो, अपना फेस वैल्यू बना सकते हो, अपना बहुत कमाने का तरीका इस टिकटॉक प्लेटफॉर्म से आजमा सकते हो, वो स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो, उसके बाद अपना फेस वैल्यू के माध्यम से कोई स्पॉन्सरशिप एड्स वेड्स बहुत सारे प्रचार प्रचार के माध्यम से आप इस टिकटॉक से कमा ही सकते हो, फेस वैल्यू तो बना ही सकते हो, उसके साथ दोस्तों आपका इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सारा कुछ टिकटॉक एप्लीकेशन से आपको मिलेगा। अगर आप चाहे तो टिकटॉक को बढ़ावा रख सकते हैं, आप चाहे तो बैन भी करा सकते हैं, लेकिन इस बार टिकटॉक को भी ध्यान देना है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे क्यों गैदरिंग फैलाई, अगर उस गलत वीडियो पोस्ट किया जा रहा है तो उस गलत वीडियो को फटाक से डिलीट मारिए, उस वीडियो को बढ़ावा मत कीजिए, एक वीक तक दो वीक तक वीडियो वायरल चलते रहता है, लेकिन उस वीडियो को आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारे वीडियो को टिकटॉक को भी देखना चाहिए, और टिकटॉक को भी ये सब चीज़ें पूरी तरह से रोकथाम करना चाहिए, ताकि दोस्तों टिकटॉक अगर इस बार नहीं संभल पाए तो परमानेंटली टिकटॉक इंडिया से बैन हो जाएगा, और ये लास्ट चांस मिला है टिकटॉक को इंडिया में रहने का। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग भी इस टाइप की वीडियो देखते हैं, आप लोगों को भी लगता है कि कोई गलत वीडियो को अश्लील वीडियो पोस्ट किया जा रहा है टिकटॉक पर और जो वायरल हो रहा है, तो उस वीडियो को फटाक से रिपोर्ट कीजिए, ताकि टिकटॉक जल्दी से पता करे, फटाक से उसके आईडी को सस्पेंड करे जो उसने गलत पोस्ट किया था, और उसके आईडी को सस्पेंड करे, साथ में उसके वीडियो को भी डिलीट करे, रिमूव करे टिकटॉक से। दोस्तों
आप लोग से उम्मीद है आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो को रिपोर्ट कीजिए और अपने अपने अच्छे जेन्युइन तरीके से, ऐसा नहीं दोस्तों वायरल होने के चक्कर में कुछ अपनी इज्जत ही खो बैठे। अपना फेस वैल्यू को बुरा मत बनाइए, गलत मत बनाइए, अपने फेस वैल्यू को बनाना है तो अच्छी साफ सुथरी अच्छी अच्छी इमेज से बनाइए, अपने इमेज को मत गिराइए। और आप छोटी से वायरल छोटी से लाइक के लिए छोटी सी लाइक कमेंट के लिए इतना भी गलत काम मत कीजिए जो बहुत सारे दोस्त कर बैठते हैं। खैर उसकी बात छोड़ो, जो जो करते हैं वो तो अपना अपने आप को कुछ शर्मिंदा है ही नहीं, शर्म बेशरम है तो वो अपने कर देते हैं। लेकिन आप लोग हम लोग भाई दोस्तों जेन्युइन तरीके से काम करेंगे टिकटॉक पे और गलत सलत वीडियो जो देखेंगे अश्लील वीडियो उस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों इस तरह से टिकटॉक को अगर आप लोग भी थोड़ा सहायता करेंगे तो टिकटॉक को भी थोड़ा सहायता मिलेगा और टिकटॉक भी चाहेगा ये सब चीज़ जल्दी से जल्दी सहायता जल्दी दूर हो, साफ सुथरा और फिर से पूरा फ्रेश हो जाए। दोस्तों इस तरह से टिकटॉक से रिलेटेड ये था बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मैंने सोचा दोस्तों उसको बता दूं। तो दोस्तों टिकटॉक को भी सुधरने का टाइम है और टिकटॉक को भी ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े जो मेहनत करते हैं क्रिएटर जो दिन रात एक करके अच्छे वीडियो बनाते हैं उसकी वीडियो वायरल करनी चाहिए और ये गलत गलत वीडियो जो अश्लील वीडियो होता है पोस्ट उस वीडियो को फटाक से रिमूव करके उसके आईडी को सस्पेंड कर देना चाहिए और इसमें आपकी मदद चाहिए, आपकी भी हेल्प चाहिए और टिकटॉक भी अपना पूरा कोशिश जरूर कर रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।